राजस्थान के पिछली अशोक गहलोत सरकार में रहे एक मंत्री जी आज एक एक दाने को मोहताज हो गए हैं। खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को छत नहीं है और सबसे बड़ी बात परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि पूर्व मंत्री जी का परिवार ही आज उनकी इस हालत का जिम्मेदार है। ऐसा आरोप हम नहीं लगा रहे हैं बल्कि खुद पूर्व मंत्री साहब ने लगाया है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों उनका अपना ही परिवार उनका दुश्मन बन गया, क्यों उन्होंने अपने ही परिवार पर इतने गंभीर आरोप लगा दिए, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यकीन मानिए ये कहानी आपको भावुक कर देगी। राजा के रंक बनने के कई किस्से और कहानियां आपने जरूर सुने होंगे, कई ऐसे मामले आपके सामने आए होंगे, इसकी अलग अलग वजह होती है, लेकिन पूर्व मंत्री जी की कहानी जरा अलग है, क्योंकि उन्हें राजा से रंक बनाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उनके अपने ही परिवार का हाथ है। जिसकी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनका नाम है विश्वेंद्र सिंह और ये राजस्थान की भरतपुर रियासत के अंतिम शासक बृजेंद्र सिंह के बेटे हैं। वो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री, 3 बार सांसद और 2 बार विधायक रह चुके हैं। अक्सर सुर्खियों में छाए रहने वाले विश्वेंद्र सिंह इस बार अपनी पत्नी और बेटे से लड़ाई के चलते सुर्खियों में हैं। दरअसल उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे पर मारपीट करके घर से निकालने का आरोप लगाकर सभी को चौंका दिया था। विश्वेंद्र सिंह ने यहाँ तक कहा कि उनकी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह उन्हें खाना तक नहीं देते, इसलिए उन्होंने उपखंड अधिकारी के ट्रिब्यूनल में प्रार्थना पत्र देकर भरण पोषण खर्च की मांग की है। इस याचिका के जरिए पत्नी और बेटे से 5 लाख रुपए प्रतिमाह भरण पोषण दिए जाने की मांग की। मतलब जरा सोचिए, राज परिवार से आने वाले शख्स को भरण पोषण के लिए ट्रिब्यूनल जाना पड़ गया, उसके पास अपने लिए इतने पैसे भी नहीं है कि वो खुद का पेट भर सके, 2 वक्त भर पेट खाना खा सके। विश्वेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और बेटे ने उनके कपड़े फाड़ कर कुएं में फेंक दिए, गाली गलौज कर कमरों से सामान को बाहर फेंक दिया। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ सालों से उनकी पत्नी और बेटे ने उनके प्रति बगावत का रवैया अपना लिया है। कई जरूरी कागजात, रिकॉर्ड, फाइलें भी कुएं में फेंक दी गई और उनका जरूरी सामान भी गायब कर दिया गया। इसके अलावा गार्डों को निर्देश दिया गया है कि वो क्षेत्र के लोगों को उनसे मिलने से रोके। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया जाता है और पहरा दिया जाता है कि कोई मुझसे मिलना ले। यही नहीं, उन्होंने चाय पानी बंद करवाने और खाना नहीं देने का भी आरोप लगाया है। बिना अनुमति के बाहर आना जाना भी बंद कर दिया गया है, ड्राइवर भी हटा दिया गया है। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि इस वजह से उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा, अब वो कभी सरकारी आवास तो कभी होटल में रहने को मजबूर है। हालांकि पूर्व मंत्री का परिवार लगातार इन तमाम आरोपों को खारिज कर रहा है। उनकी पत्नी दिव्या सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने कहा, पिछले 30 सालों में मेरे साथ क्या हुआ है, इस पर अगर मैं अपना मुंह खोलूं तो शायद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगा। अपनी मां की रक्षा करने वाला बेटा एक अच्छा बेटा होता है, उसने हर तरह से मेरे साथ अन्याय होते देखा है और वो मेरे साथ रहा है। हमें अपनी पैतृक संपत्ति की रक्षा करनी है। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब मोती महल बेचा जा रहा था और हमने इसे बचाने की कोशिश की। विश्वेंद्र सिंह ने सब कुछ बेच दिया और केवल मोती महल बचा है। मैं मरते दम तक मोती महल और उसके परिसर को बचाऊंगा। हालांकि जानकारों का दावा है कि इस परिवार में कलह कोई नई बात नहीं है। मई 2021 में भी अनिरुद्ध सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया था और लिखा था, मैं अब 6 सप्ताह से अपने पिता के संपर्क में नहीं हूं। वो मेरी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। आपको बता दें कि विश्वेंद्र सिंह राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2008 से पहले वो बीजेपी और जनता दल से जुड़े रहे थे। साल 2008 में वो कांग्रेस में शामिल हुए। इसके अलावा वो 3 बार साल 1979 जनता दल से, 1999 और 2004 में बीजेपी से सांसद रह चुके हैं। इसके बाद जब वो कांग्रेस में आए तो 2013 और 2018 में डी कुम्हेर सीट से विधायक रहे। अब विश्वेंद्र सिंह के परिवार में पत्नी और बेटे के साथ उनका प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये मामला 4 साल से चल रहा है। वहीं उनकी पत्नी का कहना है कि विश्वेंद्र सिंह 3 साल से महल में नहीं आए हैं। अब किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। लेकिन ये मामला बेहद हैरान कर देने वाला है, साथ ही ये सीख भी देता है कि किसी भी व्यक्ति को बनाने और बर्बाद करने में उसके परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।